हेलो बच्चों, कैसे हैं? डियर स्टूडेंट, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अनिकेत पाठक। इससे पिछले वाले क्लास में जो है हम लोगों ने दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीख गए थे और अच्छे तरीके से सीख गए थे। बच्चों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए चिन्ह परिपाटी लेके आए हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है उत्तल के लिए और अवतल के लिए, चिन्ह परिपाटी क्या होता है वो आपको बता दिए जाए। और आज प्यारे बच्चों, यहाँ से आप अपनी जो आपके पास जो प्रॉब्लम है चिन्ह परिपाटी को लेकर, उसको दूर कर लीजिएगा। अगर आपको चिन्ह परिपाटी आ गए तो आपके न्यूमेरिकल जो है सारे न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपके टाइम को न लेते हुए चलिए हम लोग आज चिन्ह परिपाटी को पढ़ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं कि आखिर चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो आइए चलते हैं, पहला देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए हमने चिन्ह परिपाटी बना के रखा है, जिससे टाइम कम लगे और आपको समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। कि आप एक पढ़े होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ, तो उस पर आप लोगों ने क्या बनाया होगा। एक्स अक्ष पे ये हो गई एक लाइन, इसे आप एक्स कहते थे, इसे एक्स डैश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आप कहते हैं वाई अक्ष, इसे क्या कहते हैं वाई डैश कहते हैं बच्चों। तो इधर की जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और इधर की दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और इधर की दूरियां क्या होती हैं ऋणात्मक होती है। तो आप समझिए कि ये जो आपकी ये मुख्य अक्ष है वो एक्स अक्ष का काम कर रहा है। फिर से बच्चों देखिए, ये जो मुख्य अक्ष है वो किसका काम कर रहा है, एक्स अक्ष का काम कर रहा है, और ये जो दर्पण है वो किस अक्ष का काम कर रहा है प्यारे बच्चों, वाई अक्ष का काम कर रहा है। किस अक्ष का काम कर रहा है बच्चों, वाई अक्ष का काम कर रहा है, ऐसे देख सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, यानी यहाँ जो ये मध्य बिंदु है इसका, ये पी हो गया आपके दर्पण का यानी ध्रुव। अब आप सोचिए कि आप ध्रुव के क्या है, ये दाईं तरफ है ना, तो ध्रुव के दाईं तरफ की दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। बच्चों हमने क्या बताया, ध्रुव के दाईं तरफ की दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए आपका ये दायां हाथ है ना, तो ध्रुव के दाईं तरफ की मापी गई दूरियां सदैव क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। इधर की जो भी दूरी आएगी, इधर से जो भी दूरी नापोगे वो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। हम पहली चिन्ह परिपाटी लिख लेते हैं। पहली चिन्ह परिपाटी क्या होती है प्यारे बच्चों, पहला चिन्ह परिपाटी लिख लीजिएगा, क्या होगा, ध्रुव के दाएं तरफ की, ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी, दाएं तरफ की दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है बच्चों, सदैव धनात्मक होती है। आइए प्यारे बच्चों दूसरा रूल सीखते हैं, दूसरी चिन्ह परिपाटी निकालते हैं। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है आपको, ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है। और ध्यान से समझिएगा, आप इसके लिए भी देख सकते हो कि ध्रुव के दाएं तरफ की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए प्यारे बच्चों दूसरा सीखते हैं। आपने अगर उसमें देखा होगा जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी हम बनाए थे, फिर से बना देते हैं। ये एक्स हो गए, ये एक्स डैश हो गए, ये वाई हो गए, ये वाई डैश हो गए, तो ये दूरियां प्लस, ये दूरियां प्लस, ये दूरियां माइनस, ये दूरियां माइनस, तो ये हो गई ध्रुव। तो ध्रुव के बाएं तरफ की दूरियां, ये आपका क्या है, बायां हाथ है ना प्यारे बच्चों, तो ध्रुव के बाएं तरफ की दूरियां सदैव क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ध्रुव के बाएं तरफ चलने पर इधर से चाहे ये दूरी नापो, ये चाहे जो भी दूरी नापोगे, हर एक दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ध्रुव के दाएं तरफ की दूरियां नहीं, ध्रुव के बाएं तरफ की दूरियां सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है प्यारे बच्चों। तो लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, ध्रुव के दाएं तरफ की दूरियां, दाएं तरफ की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होती है। ये हो गए। आइए अगली चिन्ह परिपाटी हम लोग सीखते हैं। अगली चिन्ह परिपाटी क्या होती है प्यारे बच्चों, जो सभी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां यहीं से मापी जाती हैं, चाहे आप बाएं तरफ की दूरी मापो, चाहे दाएं तरफ की दूरी मापो, चाहे आप बाएं तरफ की दूरी मापो, चाहे दाएं तरफ की दूरी मापो, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, सभी दूरियां होती हैं वो दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं बच्चों, ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, चाहे बाएं तरफ की दूरी हो, चाहे दाएं तरफ की हो। तो लिख लेते हैं बच्चों,
सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती है। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले तरफ की तरफ। आप देखिए ये है आपका मुख्य अक्ष काम कर रहा है ना, तो एक्स अक्ष से ऊपर की जो लंबाई होती है, जो ऊपर की दूरी होती है वो धनात्मक होती है और नीचे की जो दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई या मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी सदैव धनात्मक होती है और जो नीचे की दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। देख सकते हैं आप ऊपर की जो लंबाई होगी, जो ऊपर की ऊंचाई होगी, जो ऊपर की दूरी होगी वो सदैव पॉजिटिव होगी और जो नीचे की दूरी होगी वो सदैव क्या होगी? ऋणात्मक होगी। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां सदैव धनात्मक होती है और नीचे की दूरियां सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चों आइए नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या नोट करते हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। और नीचे की दूरी, और नीचे की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। ये नियम आपके क्लियर हुए? एक बार आपको फिर से उत्तल दर्पण के लिए समझा देते हैं। हमने पहला नियम क्या बता के रखा प्यारे बच्चों? आप अपना दायां हाथ और बायां हाथ तो क्लियर कर सकते हैं ना, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये आपके दायां हो गया, ये आपका क्या हो गया? बायां हो गया बच्चों। तो दाहिने तरफ की दूरी नापी गई, दाहिने तरफ की मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है और बाएं तरफ की मापी गई दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। बीच में जो ये शरीर है वो आप मान लीजिए आपका ध्रुव है। क्या है प्यारे बच्चों? ध्रुव है। तो ध्रुव के दाएं हाथ की दूरी, ध्रुव से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक। और जिस तरफ सिर है, सिर आपका क्या है? धनात्मक है। और पैर क्या है? ऋणात्मक है। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक, नीचे की लंबाई ऋणात्मक है। प्यारे बच्चों भूलना नहीं है, दाएं तरफ की दूरी सदैव धनात्मक, बाएं तरफ की दूरी सदैव ऋणात्मक, ऊपर की लंबाई धनात्मक, नीचे की लंबाई ऋणात्मक। और सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। प्यारे बच्चों आइए एक ट्रिक बताते हैं, एक अच्छी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है प्यारे बच्चों? आप इस ट्रिक को समझ सकते हैं आप लोग। ये ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा। प्रकाश किरणें जिस दिशा में जाती रहती हैं, क्या मैंने बताया? प्रकाश किरणें जिस दिशा में चलती हैं उस तरफ की मापी गई दूरियां, प्रकाश किरणें लिख लीजिएगा, प्रकाश किरणें जिस दिशा में चलती रहती हैं उस तरफ की मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक होती है और उसके विपरीत मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? आप चाहे तो देख सकते हो, जैसे प्रकाश किरणें आपकी अगर इधर से आपतित हो रही हैं तो इसकी दिशा में देखो, इसकी दिशा में मापी गई दूरियां तो यहीं से मापोगे ना, तो इधर की मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों ये आपकी चिन्ह परिपाटी है। जरा सा कुछ और पॉइंट आप जान लीजिएगा कि यहीं पर इसका क्या होता था? वक्रता केंद्र होता था या मुख्य फोकस पहले होता है। क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। इनके और इनके बीच की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो उसी प्रकार यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? सबसे पहले मुख्य फोकस होता है प्यारे बच्चों, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, नोट करने वाली पॉइंट है, एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताओ वह कौन सी दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसका जवाब। आपने क्या कहा? ध्रुव के बाएं तरफ दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। तो आप बताओ यहां से चले हो यहां तक की दूरी ही तो फोकस दूरी कहलाई है। अरे प्यारे बच्चों आप बताइए, यहां से यहां तक की तरफ चले हो तो यही दूरी फोकस दूरी कहलाई। तो पता चला कि हम ध्रुव से दाएं तरफ नहीं चले हैं, ध्रुव के बाएं तरफ आए हैं। किधर आए बच्चों? बाएं तरफ। तो ध्रुव के बाएं तरफ की चली गई दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अतः ये बात क्लियर हो गया। क्या बात क्लियर हो गया? अवतल दर्पण की
अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। कैसे पता चला? हमने रट्टा नहीं मारा, हमने पता लगाया कि हमने ध्रुव के बाएं तरफ चले हैं, ध्रुव के बाएं तरफ चले हैं। और सर जी ने बताया है ध्रुव के बाएं तरफ चलेंगे, ध्रुव के बाएं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक होगा और दाएं तरफ चलेंगे धनात्मक होगा। आइए जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो पता चला इस बार ध्रुव से दाएं तरफ चले हैं। किधर चले हैं प्यारे बच्चों? दाएं तरफ चले हैं। तो पता चल गया कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो का होती है? का होती है जी, बताओ? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गया? आज के बाद आप इसे मत भूलिएगा कि चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये है भैया। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।